बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सत श्री अकाल इंडियन पंजाब, नमस्ते इंडिया और इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब और जहां जहां पे आप लोग हमें देख रहे हैं, असद याकूब और शमाइला नजम की तरफ से बहुत बहुत हेलो। बिल्कुल, अच्छा जी, आज का ये व्लॉग हम बड़ी इमरजेंसी में बना रहे हैं क्योंकि हमारे सारे व्लॉग खत्म हो गए। अशमाइला, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का ये व्लॉग मैं डेडिकेट कर रहा हूँ हरप्रीत सिंह को। मेरे स्टूडेंट है इंडिया से और उन्होंने बड़े मान के साथ, बड़े प्यार के साथ हमें मैसेज किया है और उन्होंने कहा कि पंजाबियां वास्ते तुसी वीडियो बनानी है और उन्होंने क्वेश्चन भी किया है। अभी हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हरप्रीत, This is actually dedicated to you. हरप्रीत को मैंने मैसेज करके पूछा था कि आप किस शहर से हैं, लेकिन अभी उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। तो anyways, this video is dedicated to हरप्रीत सिंह और अगर किसी का नाम भी हरप्रीत है, उनको भी हम ये वीडियो डेडिकेट करते हैं। चलें जी, फिर पंजाबियों को सिखाएं कि इंग्लिश किस तरह से इंप्रूव करें। अच्छा, सिर्फ के पंजाबियों के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल ये इशू आप लोग तो समझते हैं ना, सबको ही है कि स्पोकन इंग्लिश का जो मेन इशू है। बिल्कुल, और हरप्रीत ने ये कहा कि जी हमारे यहाँ पंजाब में बहुत सारे आइट्स के सेंटर हैं, वो कहते जी इन्होंने सेंटर बनाए हुए ने पैसे कमाने वास्ते, उन्होंने आपको अंग्रेजी आती नहीं तो सानू सिखाई फिरते हैं, तो हम दसो असी अपनी अंग्रेजी किदा इंप्रूव करिए। देखिए, इंग्लिश इंप्रूव करना आपके अपने हाथ में है। मैं तुम्हें दस दिया एक विश्वास है ना, अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, जितनी आपकी लाइनें हैं बंद करें सब आपके हाथ में है। सही नजर आ रहे हैं ना, सही नजर आ रहे हैं ना। इंग्लिश इंप्रूव करना ताते अपने हाथ से है, ठीक है, नवा पाया ना ऐसे वास्ते दसन दिया सी के पता लग जाए। हां जी, हां जी, हां आपके अपने हाथ में, अपने हाथ से देखिए ना, अपने हाथ में। हां जी, दो काम अगर आप लोग कर लें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरी ये पूरी वीडियो YouTube पे पड़ी हुई है, टिप्स टू लर्न इंग्लिश, वो वीडियोस देख लें। लेकिन अभी हरप्रीत आपके लिए और जितने भी लोग हैं जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ दो काम अगर आप लोग कर लो तो आप लोग को इंग्लिश आ जाएगी। अच्छा असद, एक और चीज में मैं बता दूं कि सर असद की ना, असद याकूब की आपको पर टेंसेस पे पूरी वीडियोस मिलेंगी जो कि हिंदी उर्दू में आपको सिखाए गए हैं पर टेंसेस, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। और एक मैंने पूरा सेमिनार किया था इंग्लिश सीखने पे, आप वो सेमिनार भी देख सकते हैं। मैं बल्कि कोशिश करूंगा उसका लिंक आपके साथ शेयर करूं। ये दो चीजें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, अगर आप ये कर ले तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। नंबर वन, लिसनिंग, इंग्लिश को सुने, जितना हो सकता है इंग्लिश को सुने। यकीन करें, आप क्या करें, आप यूट्यूब से वीडियोस लेके उनकी ऑडियोस बना के अपने मोबाइल में डाल लें, कानों में आप अपने हैंडफ्री लगा लें, यासीन हफीज की तरह, जिसने जैसे आपने देखा ना हमारे जो कैमरामैन यासीन, उन्होंने कानों में 24 घंटे हैंडफ्री लगाई होती है। हाँ, ऐसे ही सोता है। और शमाइला फिलहाल देखे ना, उसकी इंग्लिश कितनी हाई हो गई है, मतलब इसी वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी यूट्यूब से कोई डॉक्यूमेंट्री उठा लें, कोई इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग की वीडियो उठा लें और उसको ना, एक हमारे पास उम्मी वीडियो डाउनलोडर है यूट्यूब का, उम्मी के नाम से है, अम्मी नहीं उम्मी। अच्छा, वैसे ना एक और भी सॉफ्टवेयर है, बता दो। हाँ हाँ बताएं। अच्छा, स्नैपट्यूब के नाम से, उसमें है कि आप कहीं पे भी जाके कोई भी वीडियो, अगर उसकी वीडियो में करना है, ऑडियो में करना है, आप येलो सा एक आइकन है उसको क्लिक करेंगे, बिल्कुल, और वो हो जाएगा। तो वीडियोस की बनाए, ऑडियोस पाओ अपने मोबाइल से, एक नवा मेमोरी कार्ड खरीद लो यार, 4GB का, जीपी कहते हैं ना पंजाबी में, तो 4GB का या 8GB का एक नवा मेमोरी कार्ड खरीदो, मेमोरी कार्ड को पढ़ लो लिसनिंग के साथ, स्टैंडर्ड इंग्लिश की लिसनिंग, आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, ताड़े कन्ना जे टूटियां लगियां होन लेकिन ड्राइव करते हुए नहीं, अगर आप बाइक चलाते हैं तब नहीं, ठीक है। आप इंग्लिश को सुने, जितना अच्छा आप इंग्लिश को सुनेंगे उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो पहली चीज क्या है, लिसनिंग है, वो कर लें। असल में एक और चीज बता दूं, आपको बहुत सी ई-बुक्स मिलेंगी, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स की हैं, आप वो पूरे वो भी कर सकते हैं। मैं अभी आ रहा हूं इस तरफ। अच्छा, ये तो हो गया लिसनिंग का, ठीक हो गया। हम आज तो बात उसी YouTube, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी अच्छी वीडियो, बेशक वो लर्निंग इंग्लिश पे है या वीडियोस इंग्लिश में है, कोई डॉक्यूमेंट्री है इंग्लिश में, कोई मूवी, उठा लें उसकी ऑडियो और लगाएं उसको सुने, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। दूसरे नंबर पे है रीडिंग, और ये दो चीजें हैं जो आपके अपने हाथ में है। लिस्टिंग भी आपके अपने हाथ में है, ये लिस्टिंग है ये भी आपके अपने हाथ में है, और ये रीडिंग है, रीडिंग भी आपके अपने हाथ में। अब रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में एक बात तो ये है कि शमाइला की तरह हॉरर नॉवेल्स नहीं पढ़ने, क्योंकि हॉरर नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उस तरह के टेक्स्ट आइल्स में नहीं आते। नहीं, मोटिवेशनल भी तो मैं
हाँ मोटिवेशनल आप पढ़ सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लोग पढ़ें फीचर्स, आप लोग पढ़ें आर्टिकल्स, आप लोग पढ़ें रिसर्च पेपर, कोई साइंस की नई डेवलपमेंट हुई है उस पर कुछ आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ आ गया वो पढ़ें, एनवायरमेंट चेंजेस पे आ गया, क्लाइमेटिक चेंजेस पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप जनाब जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड नेट से चीजें उठाएं, उनकी रीडिंग करें। शुरू में क्या होगा, सारी समझ नहीं आएगी, शुरू में थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, लेकिन ग्रेजुअली आपकी समझ बढ़ती जाएगी। यकीन करें अगर सिर्फ और सिर्फ आप रीडिंग और लिसनिंग ये दो काम कर लें, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग एंड देखा बगैर ये भी हो जाता है, एंड इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। शिवाला मुझे बड़ी याद आ रहा है, पता है क्यों, ये देखिए पसीना आ रहा है और मरी में हम लोग जो 6-7 दिन रहे, एक दिन भी मैंने मासा पसीना नहीं सी आया, बस एक दफा आया था बंदर को देख के ना, जब बंदर करीब आ गया था, उसके अलावा मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आया था। अच्छा ये तो एक चीज हो गया, ठीक है, वो बंदर करीब नहीं आया था, अब शीशा देख। जवाब मैं देता है, जितने भी लोग हैं जो अपनी स्पोकन इंग्लिश, अपनी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रीडिंग और लिस्निंग ये दो चीजें कर लें। गुड लिसनर्स आर द गुड स्पीकर्स, गुड रीडर्स आर द गुड राइटर्स। जैसे कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, जो तुसी खांदे हो उतना ही तुसी बन जांदे हो, बर्गर खाओगे तो बर्गर बन जाओगे, बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में जो आप पढ़ेंगे, जिस तरह की चीजें पढ़ेंगे वैसे आप हो जाएंगे। हॉरर नॉवल पढ़ेंगे तो आप भयानक हो जाएंगे, आप डरावने हो जाएंगे, लोगों को थोड़े तो डर लगेगा, ठीक है, मजाक करो मजाक करो मजाक करो, लेकिन आपने एक्चुअली ओके सो इन चीजों पे अमल करें, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। और लैंग्वेज सेंटर तब जाएं, आईएल सेंटर तब जाएं जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। हम में से अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, इंग्लिश अच्छी होती नहीं, आईएल्स को टक्करें मारते हैं, वो फिर मैं ये कहूंगा दीवारा ना, जिसमें बंदा टक्करा मार दे, दीवारा देना टक्करा मार दे, इंसान दूसरों की हरप्रीत के लिए बनाया है, हरप्रीत सिंह के लिए। अच्छा हरप्रीत जो है ना, ये मेल फीमेल दोनों नाम है, हरप्रीत कौर भी होता है, हरप्रीत सिंह भी होता है, सही कह रहा हूँ ना मैं? ओके थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों को असद याकूब और बहुत बहुत सत श्री अकाल, ठीक है, और अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें, और इसके अलावा आप भूल रहे हैं, अगर आपने मुझे एक चीज कही, क्या, कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई इस तरह की चीजें हमारे साथ शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप का ये नंबर दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई अच्छी आईएलटीएस से रिलेटेड कोई हैंडआउट है, कोई टेक्निक है, कोई टिप है, कोई वीडियो है, ऐसी कोई चीज है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपके पास कोई अच्छी किताब है, आपके पास कोई अच्छा आईएलटीएस का हैंडआउट है, आपके पास आईएलटीएस के कोई अच्छे से नोट्स हैं और आप चाहते हैं कि इन पे वीडियो बननी चाहिए, वो नोट्स आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड करें। हम लोग ईद के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा कोर्स रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, हमने बहुत प्लान कर लिया है, और ईद के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशंस पे हम जाके आपके लिए वो कोर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिस पे आपको लगता है कि कोई वीडियोस बननी चाहिए जिनको मैं एलैबोरेट करूं, तो डेफिनेटली आप उन्हें हमारे साथ शेयर करें। उससे क्या होगा कि वो नॉलेज हजारों लोगों तक, बल्कि लाखों लोगों तक जाएगा। शिवाला मुझे याद है मेरे पास चंद स्टूडेंट्स आए थे, आईटी एक्सपर्ट्स, उन्होंने पूरी एक हार्ड ड्राइव भर के मुझे डेटा दिया, कहते सर हमारे पास डेटा है लेकिन हमें ये नहीं पता इसको यूज कैसे करें, आईएस की तैयारी हम लोग डेटा से कर ही नहीं सकते जब तक आप नहीं बताएंगे। फिर मैंने उस डेटा को यूटिलाइज करके अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है हमारे साथ शेयर करें, और हम इंशाल्लाह वो चीज आपको एक अच्छी फॉर्म में वापस करेंगे, सब तक ये पहुंचे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, मैंने फिर मरी याद आ रही है, मैंने इतना पसीना कभी भी नहीं आया, मैं आंसू देखें ये देखें आंसू, ये आंखों से नहीं आ रही, नाक से आ रही है, और हमारा एसी हमारा लगा हुआ है लेकिन पता नहीं शिवाला नाक से भी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।